युद्धकालीन भितर चली उत्तरकाशी टनेल उद्धार कार्य फसी रही श्रमिकों उद्धार करने काम 16 दिन में पहुंचला एवं भी सुडंग उद्धार हो पारिना श्रमिक सेपटे अगर मेसीन भांगा पर वर्टिकल बा भूलंब खनन प्रक्रिया जारी रही वर्तमान सुधा मिलता सूचना अनुसार पहाड़ उपरपटु खनन काम द्रुत बेगरे आगे चली पखापाखि 90 मीटर खोलिबा परे श्रमिकों पाखरे पहुंचा संभव हेबो आउ एबे सुधा 30 मीटर पर्यंत खनन करा सरी युद्धकालीन भितर खनन प्रक्रिया जारी रही जदि यही भाव काम जारी रहे ताहले आसंता 30 तारीख सुधा श्रमिकों उद्धार करा जाई पारिबो बोली कहिचंती कर्तृपक्ष। हमारे जो रेस्क्यू ऑपरेशंस का सबसे इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है जो टनल के अंदर हॉरिजॉन्टल ओगर मशीन के द्वारा जो काम किया जा रहा था उसके अंदर जो ओगर मशीन फंस गई थी वो ओगर मशीन का काट काट करके वो सारा पार्ट निकाल लिया गया है। वो अर्ली मॉर्निंग में अराउंड 3:30 से 4 बजे के अराउंड वो काम पूरा हो गया था, मतलब कटने का 3:30 से 4 बजे तक निकल गया था। लेकिन उसी मशीन का जो हेड होता है आगे, वो हेड अभी अंदर फंसा हुआ है, उसके लिए पाइप को भी काटा गया। जो मशीन के जो लास्ट पार्ट है उससे 1 मीटर पाइप पहले काटा गया है, 0.9 मीटर पाइप और काट करके उसका एक प्रोविज़न रखा गया है। तो यू कैन से कि 1.9 मीटर के अराउंड जो पाइप है उसको कट करना पड़ेगा, लेकिन 1 मीटर ऑलरेडी कट किया गया है। 0.9 मीटर के बाद में पुश करने के लिए प्रयास किए जाएंगे जिससे कि जो हेड है हेड तक पहुँचा जा सके और हेड के चारों तरफ के जो और लोहे के सरिये, आप लोगों को फोटोज़ भी कुछ शेयर की गई हैं, आई थिंक आपको मीडिया ग्रुप के अंदर सभी को फोटोज़ मिल जाएंगी, आप उनको देख करके अपने अपने स्टोर उसमें डाल सकते हैं डिटेल्स के साथ में। तो वो सारा का सारा कैसे निकाला जाएगा उसके लिए उसको पुश करने का प्रयास करके उसके बाद में काट के निकाला जाएगा और जरूरत पड़ने पर वो 0.9 मीटर का जैसे उसके आगे जाने के बाद वो पाइप काटा जा सकता है। और जैसे अगर वो पुश होना स्टार्ट हो जाएगा तो यही प्रक्रिया जैसे पहले की थी कि जो भी लोहे की छड़ें जो सरिये होते हैं या पाइप जो मोटे वाले हैं जो आप लोगों को पूर्व में बताया गया कि कम से कम काफ़ी हैवी डेंसिटी के पाइप हैं, तो उन सबको काट काट करके फिर आगे बढ़ा जाएगा। जिस स्पीड से पाइप का अगर पुश हो पाता है वो आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन की जा चुकी है, तो इस चीज़ को रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन समरीली जो हमारा कल काम था वो ओगर मशीन निकालने वाला, वो प्रॉपर पूरा हो चुका है और आगे का काम अभी जो पाइप वेल्ड करने का भी है वो भी 3 मीटर का एक पाइप ऑलरेडी वेल्ड कर लिया गया है। तो संभवतः अभी जैसे अगले 1.5 to 1 hour के अंदर दे विल ट्राई जो बाकी बचा हुआ पार्ट निकालने के लिए होगा ना, पुश करेंगे तो दे विल ट्राई टू डू दैट। तो SJVNL का वर्टिकल ड्रिलिंग चल रहा था, काम वो चल रहा है। आपको मैं बता दूं कि 30 मीटर ड्रिलिंग हो चुका है, हमें शायद टोटल 86 मीटर की ड्रिलिंग करनी है और वो काम अच्छे से चल रहा है। थोड़ी बहुत उसमें पानी आई थी, उसको हमने डीवाटरिंग की है और कुछ अभी कुछ पत्थर आ रहे हैं जो कि थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन वो भी हम ड्रिलिंग करेंगे। ये काम बिल्कुल ट्रैक पे है। इसके अलावा RVNL की बात भी जो है, हमारी हॉरिजॉन्टल बोरिंग जो है उसका मैंने कल आप लोगों को बताया था कि उसका कंक्रीट बेड बन रहा है जिसमें हम टनल बोरिंग मशीन बैठाएंगे, माइक्रो टनलिंग करेंगे। वो 170-180 मीटर का बोरिंग उसमें करना होगा। वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल परसों में वो काम हम शुरू कर सकें, क्योंकि उसकी मशीन इक्विपमेंट वगैरह सब आ चुके हैं, उसको हमें इंस्टॉलेशन करना है।